Hello everybody and welcome back to the channel. In today's video, we will cover up last part of our chapter number 18, body fluids and circulation. And in this video, I will be explaining you line by line of NCERT so that you can understand the concept very easily, okay? So please, if you like this video, turn on the like button. And if you are new to our channel, don't forget to subscribe and turn on the bell notification taki next time jab bhi main koi video upload karun, aapko notification aa jaye aur hamara koi bhi video miss na kare, okay? So without wasting any time, let's get started. Isse pehle ke 5 parts already ban chuke hain. Agar aapne wo नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से जाके उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नाउ काफी बच्चे इसके बीच में कंफ्यूज रहते हैं दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। गाइस, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपने देखा होगा काफी सारी हिंदी टीवी सीरियल्स में देखा होगा, हिंदी मूवीज में देखा होगा कि जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एक मशीन लगी हुई होती है, एक मॉनिटर जैसा लगा हुआ होता है जिसके अंदर कुछ इस तरीके की लाइंस बनी हुई आ रही होती हैं, ऐसी ऐसी कुछ लाइंस बनी हुई आ रही होती हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, जो ये लाइंस बनी हुई होती हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे पता चलता है कि हार्ट रेट किस तरीके से चल रहा है। ओके, एंड पर्सन जो है वो अलाइव है। बट जब ये लाइन आप देखते होगे वो मर जाता है, जब वो पेशेंट या जो भी मर जाते हैं, तो अगर ये इस तरीके से लाइन बनी हुई है तो लाइन कुछ ऐसे 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 बन जाती है। इट मीन्स कि उसका हार्ट काम करना बंद कर चुका है एंड वो पर्सन इज नो मोर। ओके, तो इट मीन्स कि जो जिस मशीन पर ये सब दिखाया जा रहा होता है उस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। एंड ईसीजी क्या होता है, ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि ये लाइंस होती हैं जिसके जरिए पता चलता है हार्ट रेट का। नेक्स्ट है यू आर, अब हम जानते हैं, आपको आई होप कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बीच में। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। देखो, ये भी उसी के बारे में बात कर रहा है कि आपने टिपिकल हिंदी टेलीविजन शो में देखा होगा ऐसी चीज़ें, ऐसे वाक्य होते हुए। अ पेशेंट इज हुक्ड अप टू अ मॉनिटरिंग मशीन, एक पर्सन को हुकअप किया हुआ है मॉनिटरिंग मशीन के साथ, मतलब उसकी बॉडी पर उसके काफ़ी ज़्यादा वायर्स लगाए हुए ताकि उसकी बॉडी की जो मूवमेंट है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स की मूवमेंट है वो पता चल सके। शोज वोल्टेज ट्रेसेस ऑन अ स्क्रीन, जो जितना भी ट्रेस किया हुआ है हार्ट रेट को वो सारा स्क्रीन पर दिखेगा एंड वो साउंड करेगा। जितनी टाइम तक वो हार्ट बीट करता है वो साउंड होता है पिप 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 पी। ओके, तो मतलब बंदा मर गया। एज द पेशेंट गोज इन टू द कार्डियक अरेस्ट, मतलब उसका हार्ट जो है काम करना बंद हो चुका है, कार्डियक अरेस्ट उसको पेशेंट को हो गया है, इट मीन्स पर्सन मर चुका है। दिस टाइप ऑफ मशीन, इस मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इज यूज टू ओपन ऑप्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। इस तरह की मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उसको यूज़ किया जाता है क्या ऑप्टेन करने के लिए, क्या बनाने के लिए, ये लाइंस। इन लाइंस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विच इज ईसीजी। ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ईसीजी क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि लाइन्स आपको दिख रही है ग्राफ के रूप में दिख रही है, ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट की जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, जितने टाइम में एक कार्डियक साइकिल हो रही है, आपने देखा था कि 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल हो जाती है। ओके, सो टू ऑप्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी, आपको एक फिगर दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, हम उसको ना देख के एक बार इस फिगर को समझेंगे, बिकॉज इससे क्या है आपको चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी। सबसे पहला डायग्राम देखिए, सबसे पहले डायग्राम में क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर एवी नोड और एस एन नोड है, ठीक है, ये दोनों नोड है यहाँ पर, एस ए नोड और एवी नोड। उसके बाद यहाँ पर जो एक है, ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये है हार्ट का पोर्शन। ओके, एक जो हम एक चीज़ देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर चार अल्फ़ाबेट बहुत ज़रूरी है, पी क्यू आर एस बहुत ज़रूरी है, और जो एंड वाला अल्फ़ाबेट है वो है फिफ्थ अल्फ़ाबेट विच इज़ टी। नाउ ये अल्फ़ाबेट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, दैट कि ये वाला पोर्शन है ये तो ए वी नोड है, ऊपर वाला एस ए नोड है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके बीच में आप देख लो कि जब हार्ट कार्डियक साइकिल जैसे जैसे होनी शुरू होगी, सबसे पहला है पी, जहाँ पर एक वेव बनकर आती है जब भी हार्ट रेट जो है यानी कि ब्लड फ्लो होता है। उसके बाद क्यू कब बनेगी, ठीक है, क्यू वेव कब बनेगी, जब यहाँ से एक प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि देखिए ये वाला पोर्शन है सेप्टम,
ठीक है, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है और ऊपर वाला है आर्ट्रिया सेप्टम, जो हमने अभी पढ़ा था एक पार्ट में, एक लेक्चर में हमने पढ़ा था इसी चैप्टर की। और जो मिडल में है, मिडल में है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो कोई भी सेप्टम यहाँ से इसको जाने नहीं देगा, किसी भी पोर्शन को, ये सारे सेप्टम है बीच में। एक चीज़ जिसको जाने देगी ब्लड के फ्लो को, वो है एवी नोड। एवी नोड से होता हुआ ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू यहाँ पर पंप आउट होगा और वो बनाएगा एक और हमारी लाइन, एक और फ्लो ब्लड का, जो कि है क्यू। और इसी तरीके से थर्ड वन भी बन जाएगा। देन आता है हमारा, इरेज कर देते हैं इसको, देन आता है क्यू आर एस, जो कि बिल्कुल हाई रेट पर पहुँचता है, बिकॉज जितना भी ब्लड फ्लो ऊपर था एट्रिया के अंदर और वेंट्रिकुलर के अंदर, राइट और लेफ्ट एट्रिया के अंदर जितना भी था हमारा ब्लड, वो अब आ चुका है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर। देन वो सारा एक जगह पे इकट्ठा हो चुका है और किसके थ्रू जा रहा है, वो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू, ठीक है। तब बनेगी हमारी क्यू आर एस की वेव, ठीक है। नीचे वाला है पी, ऊपर वाला है क्यू एंड नीचे वाला है आर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टी। टी क्या है? टी इज़ द लास्ट वर्जन। जब देखिए समझ लीजिए, ये है पी, देन क्यू, ठीक है, आर, ठीक है। इस तरीके से आपका जब बनता है, तो जब नीचे आप जाओगे तो लास्ट जो आपकी वेव बनेगी, लास्ट वेव जो बिल्कुल क्लियर सीधी होती है, उसको हम कहते हैं टी। ओके, सो रिमेंबर दीज वेव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ECG वर्जन। ओके, सो आई होप आपको इससे बहुत इजीली समझ में आया हो। अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो हम और इजी समझते हैं, ठीक है। एक पेशेंट है, उसको कनेक्ट किया गया है एक मशीन से, हाँ ठीक है, विद थ्री इलेक्ट्रिकल लीड्स, एक दूसरे से रिस्ट के पास तीन इलेक्ट्रिकल लीड्स को अटैच कर दिया गया है एक पेशेंट को, ठीक है, टू द लेफ्ट एंकल तक, दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, जो कि हार्ट की एक्टिविटी को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, फॉर अ डिटेल्ड इवेल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन, ताकि डिटेल्ड वर्जन मिले हार्ट का। काफ़ी ज़्यादा लीड्स जो हैं चेस्ट से भी कनेक्ट की जाती हैं, बट हेयर द कंडीशन इज कि रिस्ट और एंकल तक ही लीड्स को कनेक्ट किया गया है। हेयर वी विल टॉक ओनली अबाउट अ स्टैंडर्ड ECG। ईच पीक इन द ECG इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर फ्रॉम P to T। बिल्कुल सिंपल, क्या समझेंगे कि जो हमारी PQT, ठीक है, PQRST, ये सब क्या हैं, दीज ऑल आर वेव्स। जहाँ पर भी वेव आएगी वो बन जाएगा हमारा नेक्स्ट वर्जन। जितनी भी वेव्स आएंगी उनको हम बोल देंगे एक अल्फ़ाबेट, जैसे कि हमारी ये वाली वेव है पी, इसको बोल दिया पी। नेक्स्ट हमारी वेव नीचे की तरफ है, उसको बोल दिया क्यू। उसके बाद हमारी ऊपर की तरफ वेव है, उसको बोला हमने आर। देन नीचे वेव है, उसको बोला एस। उसके बाद फिर एक जो वेव है, जो सबसे लास्ट वेव आती है, वो है टी। देन अगेन साइकिल स्टार्ट हो गई पी, ठीक है। और जब बंदा मतलब डेथ हो जाएगी, द पर्सन इज नो मोर, तो हमारा ये जो वेव्स हैं वो बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, कोई वेव हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आएगी हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ईच पीक इन द ECG इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर फ्रॉम P to T। हर एक पीक जो होती है ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर, वो पी से लेकर टी अल्फ़ाबेट तक देखी गई है, कि जितनी भी वेव्स आएंगी उनको हम इन अल्फ़ाबेट्स के जरिए नाम देते जाएंगे, जो कि क्या है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट की जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये सब बताया गया है। द पी वेव रिप्रेजेंट, अब बताते हैं कि हर एक वेव क्या रिप्रेजेंट करती है। द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, कि एक एक्साइटेशन स्टेट में जब हमारी वेव आ जाएगी, जब हमारा ब्लड का जो फ्लो है वो एक्साइटेशन स्टेट में आ जाएगा, उस तब हम लिखेंगे पी वेव। ओके, या फिर डीपोलराइजेशन। आप पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन नर्व वाले चैप्टर में पढ़ोगे, यहाँ पर डीपोलराइजेशन का मतलब आप ये समझ लो कि एक्साइटेशन स्टेट है ऑफ द एट्रिया। एट्रिया जब एक्साइट होगी, यानी कि एक इम्पल्स जनरेट करेगी, कॉम्प्लेक्स इम्पल्स जनरेट करेगी, विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरी, जिसकी वजह से जो आर्टरियां हैं दोनों कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सिस्टोल में आ जाएंगी। नेक्स्ट है द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। पी के बाद आता है QRS। QRS क्या है? QRS जो है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वो वाला पोर्शन होगा QRS वेव का, ठीक है, विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कब स्टार्ट होगा? आफ्टर द क्यू वेव। क्यू वेव के बाद कॉन्ट्रैक्शन एकदम से स्टार्ट होता है, तो हमारी जो आर वेव है वो कुछ इस तरीके से जाती है। ओके, देन इट विल बिगिन द सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की स्टार्ट वहाँ पर
हो जाएगा. द टी वेव, अब आ गया टी वेव. टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है कि वापस जो वेंट्रिकल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट से किस में आ रही हैं, नॉर्मल स्टेट में, जिसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन. ठीक है, जब नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं आर्टरिया या वेंट्रिकल तो उसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन. द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल. जब टी वेव एंड हो जाएगी उसको हम कहते हैं सिस्टोल. ठीक है, सिस्टोल का एंड यानी कि डायस्टोल. डायस्टोल का मतलब नॉर्मल स्टेट, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाला स्टेट. ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस दैट ऑक्यर इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल. कि आप अगर QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लो कि कितने मिनट में कितने, एक मिनट में कितने QRS कॉम्प्लेक्स बने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप हार्ट बीट रेट को भी एक तरीके से काउंट कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो किसी भी इंडिविजुअल का. सिंस द ECGs obtained फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हैव roughly द सेम शेप फॉर अ गिवन लीड configuration, एनी deviation फ्रॉम दिस शेप indicates अ पॉसिबल abnormality ऑफ डिजीज. सिंस हर एक पर्सन की जो हार्ट रेट का ये जो ECG ग्राफ होता है सेम होगा, P अपनी जगह पे होगा वेव, QRS अपनी जगह पे वेव होगी, T भी अपनी जगह पर ही सेम वेव होगी. तो अगर इन तीनों, ये जो तीनों वेव्स बनती हैं P, QRS और T, तीनों वेव्स में अगर किसी भी वेव में कोई भी बदलाव आता है, कोई भी वेरिएशन आती है, इसका मतलब कि कोई अबनॉर्मलिटी है उस पर्सन को, इंडिविजुअल को, या फिर कोई डिजीज है. हैंस इट इज ऑफ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. अगर आप क्लिनिकल MBBS अपनी करेंगे उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को समझना, और इस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिजीज को भी पता किया जाता है उनके बारे में. ओके, नेक्स्ट आते हैं डबल सर्कुलेशन. नाउ व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? कुछ नहीं है, ये आप पहले पढ़ चुके हो, बस इसको एक बार यहाँ पर NCERT में रीड आउट करना है. द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल. ब्लड वेसल के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो फ्लो होता है, एक फिक्स्ड रूट होता है कि कहाँ से वो फ्लो होगा. द आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो मूव करता है, फ्लो करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर. बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर. हर आर्टरी और वेन के पास तीन लेयर्स होती हैं. वो तीन लेयर्स क्या होती हैं? सबसे इनर वाली होती है इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एंडोथीलियम. देन आती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा. ठीक है, जो हमारी इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा. उसके बाद आएगी मिडल लेयर. मिडल लेयर किसकी बनी हुई है? स्मूथ मसल की बनी हुई है और इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया. देखिए बिल्कुल ईजी नाम है, ट्यूनिका इंटीमा इट मीन्स इनर लेयर, ट्यूनिका मीडिया इट मीन्स मिडल लेयर, एंड जो एक्सटर्नल लेयर है वो बनी हुई होती है फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की विद कॉलेजिन फाइबर्स, जिसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना. बहुत इजी नेम है, ट्यूनिका 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 सबके आगे आप लगा दोगे. लास्ट वाले नेम्स में ध्यान देना है, इंटिमा मीडिया एंड एक्सटर्ना. द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स. वेन्स के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया होती है यानी कि मिडल लेयर होती है वो थिन होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज. उसका मतलब क्या होगा, क्यों ऐसा होता है वो हम अभी देखते हैं. ठीक है, एज मेंशनड अर्लियर द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल. देखिए ये हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने की आपको यहाँ पर जरूरत, बस रीड आउट करेंगे हम ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो. देखिए सबसे पहले आपका ब्लड कहाँ पे आता है, नीचे के बॉडी पार्ट से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आता है इन्फीरियर वेना कावा से, और ऊपर के बॉडी पार्ट से आता है सुपीरियर वेना कावा से, वो आता है सीधा आर्टरिया के अंदर. आर्टरिया के अंदर आने के बाद एक जो हमारा SAN जो है यानी कि SA नोड जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है, एक पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर का कायम होता है हमारे आर्टरिया के अंदर, जो कि हमारे वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को जो है भेज देती है एक प्रेशर के साथ. जब वो प्रेशर के साथ भेजती है तो हमारा जो बीच में पोर्शन प्रेजेंट है सेमिल्यूनर वाल वो क्लोज हो जाएगा. ठीक है, ताकि बैक फ्लो ना करे. उसके बाद जितना भी हमारा ब्लड है वो ऊपर फ्लो करेगा किसके जरिए, हमारी पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर. लंग्स के बाद वो लंग्स से फ्लो होता हुआ आएगा लेफ्ट वाले आर्टरी के अंदर. लेफ्ट आर्टरी के बाद वो सेम पोर्शन जो है यहाँ पे भी कवर अप होगा कि ऐसे नोड जो है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जनरेट करेगा. उसके बाद आ जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल के बाद ये सीधा यहाँ पे पल्वो एओर्टा, एओर्टा के थ्रू होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, बाकी के सारे फंक्शंस में. ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आए, बहुत इजी है, बहुत इजी से मैंने समझा दिया है. आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, बाकी मैंने पिछले वाले जो हर्ट वाला जो मैंने आपको बताया था उसमें इससे भी अच्छे तरीके से मैंने बिल्कुल ब्रीफ में समझाया. ये मैंने ऊपर समझाया है बिकॉज ये पोर्शन अलग है, और वो हर्ट का जो पोर्शन था उसके अंदर मैंने इसको बिल्कुल ब्रीफली समझा दिया था. नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर
जो हमारा ब्लड ब्लड है उसको पंप किया जाता है बाय द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के थ्रू पंप किया जाता है और वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, जहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप कर देगा ब्लड को कहाँ पे, आओटा के अंदर। देन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप किया जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, जो पंप आउट होने के बाद कहाँ पहुँचेगा, लंग्स तक। और लंग्स के जरिए वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा बिकॉज वो पहुँच चुका है पल्मोनरी वेन्स के वेन्स तक, और उसके बाद वो पहुँचता है लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद वो पहुँचता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल के बाद वो आओटा में होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर पहुँच जाता है। दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट्स अ पल्मोनरी सर्कुलेशन, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग the aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues. जितना भी oxygenated blood enter किया गया है aorta के अंदर वो कैसे पहुँचेगा बाकी सारे blood जो जितने भी हमारे organs हैं, जितना भी system हमारा organ system चल रहा है उस तक वो blood कैसे पहुँचेगा, it is carried out with the help of network of arteries, arterioles and capillaries के through, जहाँ पर deoxygenated blood जो है वो collect किया गया है एक system के जरिए। वो system किसका है, venules का system है, veins का system है and vena cava का, जो कि empty किया जाता है right atrium के अंदर। this is the systematic circulation, ये systematic circulation है, this systematic circulation provides nutrients, ये systematic जो सर्कुलेशन हो रहा है जितना भी, जैसे राइट एट्रियम में आना देन लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है जो हमारा ब्लड, देन एओटा से होता हुआ वो सारे ब्लड जितने भी हमारे ऑर्गन्स है सब सबके पास पहुंच रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है एओटा के जरिए। तो वो क्या हुआ है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स O2 और बाकी सारे अदर एसेंशियल सब्सटेंस हैं टिश्यू तक पहुंचाता है, और जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है और CO2 है उसको लेके चला जाता है, इट विल टेक अवे इट एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ताकि वो बॉडी से बाहर निकल सके। देन अ यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर, जिसको हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। नाउ व्हाट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खाओगे वो आपकी बॉडी में सीधा आपकी ब्लड के अंदर जनरेट हो जाएगा, ब्लड तक पहुंच जाएगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी हम ईट करते हैं, जितना भी हम खाएंगे वो क्या होगा जनरली, देखिए इसको एक ले लेते हैं, कि आपने कुछ भी खाया वो आपके पेट में आया, ठीक है, पेट में आने के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, सीधा डायरेक्टली विदाउट मतलब कि पूरी बॉडी के अंदर जाने से पहले वो जाएगा लिवर के अंदर। लिवर के अंदर एक जनरली आर्मी फोर्स होती है जो कि ये पता करती है कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई मतलब कोई ड्रग्स तो नहीं किए हैं, इन सभी चीज़ों को हटा के अगर ऐसा कुछ है तो उसको वो डिस्ट्रॉय करके देन पूरे फूड को यहाँ पर जैसे डीऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टिव बना के फिर न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पहुँचाती है, यहाँ से यहाँ मतलब पूरा ब्लड के अंदर, उसके बाद वो जाएगा, पहले वो लिवर के पास आएगा देन उसके बाद ही वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो सकता है। तो ये सिस्टम पूरा होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। द हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन, जो हेपेटिक पोर्टल वेन्स है वो क्या करती हैं, दे कैरी ब्लड, ये ब्लड को कैरी करती है इंटेस्टाइन के थ्रू, कहां पहुंचाती है उसको, लिवर के पास, बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ताकि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन तक पहुंचने से पहले वो लिवर के पास पहुंचे। अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम, एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम भी है यहाँ पे ब्लड वेसल का, जो कि प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फॉर्म द कार्डियक मस्कुलेचर। ओके, बहुत सिंपल था। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जो हमने लाइन पहले पढ़ी थी कि मस्कुलर जो लेयर होती है आर्टरी की वो ज़्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू वेन, क्यों, बिकॉज आर्टरीज के अंदर जब ब्लड कोई भी फ्लो करेगा, ठीक है, इसको एक बार हम जूम आउट नहीं कर सकते, आई गेस जूम आउट हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप एक तरीके से देखोगे कि यहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है कि मस्क्यूलर लेयर थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ पे ल्यूमन यानी कि मस्क्यूलर लेयर कम है वेन्स के अंदर। ऐसा क्यों, बिकॉज आर्टरीज जो हैं आर्टरीज के अंदर जब भी जो फ्लो है ब्लड का फ्लो जो अंदर जाएगा तो उसके बाद जैसे ही वो अंदर ब्लड फ्लो होता है तो हमारे जो मसल्स हैं एक रिफ्लेक्स एक तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे ब्लड को एंड देन एक रिफ्लेक्स जनरेट करेंगे, एक बहुत प्रेशर जनरेट करेंगे जिसकी वजह से जो ब्लड है एक प्रेशर के साथ अंदर जाएगा सारी आर्टरीज के थ्रू देन वो पहुंच जाएगा हमारी वेसल्स के अंदर। सेम गोज विद वेन्स, वेन्स के अंदर क्या होता है कि ऐसे किसी प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ईजिली जो हमारा ब्लड है वो फ्लो होकर हमारे वेसल्स तक पहुंच जाता है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर ईजिली चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ओके, सो विद दैट सेट हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट रेगुलेशन पे, कि देखिए जब भी जैसे हमारी हार्ट रेट ज़्यादा होती है, इट बिकम्स फास्ट, जो नॉर्मल हमारी हार्ट रेट है उससे ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम पे होता है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जैसे कि कभी
एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको डर लगता है, तो उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है. तो वो क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. तो अब देखो, जब जैसे आपको कभी डर लग रहा है तो आपको भागना है, तो भागने के लिए आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन लेवल का ज़्यादा होना ज़रूरी है. ओके, तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल होगा तो उसको करने के लिए ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट की बीट्स ज़्यादा बढ़ेंगी, तो कार्डियक एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी. दैट जनरली शोज़ कि आपको आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो ऑक्सीजन ज़्यादा के लिए आपको चाहिए होगा कार्डियक एक्टिविटी का बढ़ना. ओके, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, कि नॉर्मल एक्टिविटी जो भी होती है हार्ट की वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली होती रहती है. ऑक्सीजन हमारी पूरे ब्लड को, हमारी पूरी बॉडी को प्रोवाइड होती रहती है, ऑटो रेगुलेटेड रहती है बाय कुछ स्पेशलाइज्ड सेल के थ्रू, जिन्हें हम कहते हैं नोडल टिश्यू. हैंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक. मायो मतलब मसल, जेनिक मतलब जेनरिक. ठीक है, तो मायोजेनिक जो हमारा हार्ट है उसको मायोजेनिक कहा जाता है. एक स्पेशल न्यूरल सेंटर है मेडुला के अंदर, मेडुला ओब्लेंगेटा के अंदर, जो कि मॉडरेट करता है, जो कि संभालता है कार्डियक फंक्शंस को. हमारा ब्रेन है, ब्रेन के बाद बिल्कुल ठीक नीचे मेड्यूला ओब्लेंगेटा प्रेजेंट रहता है. तो वो क्या करता है, वो जनरेट करता है, संभालता है हमारी कार्डियक फंक्शन को थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. आप नहीं कुछ रेगुलेट कर सकते, आप नहीं समझ, अगर डर लग रहा है तो लग रहा है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज आपका जो नर्वस सिस्टम है वो इस सब चीज़ों को कंट्रोल करता है. एक तरीके से न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपथेटिक नर्व्स पार्ट विच इज़ पार्ट ऑफ ANS कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट. जो हमारे सिग्नल्स मिलते हैं हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को, जो कि किसके थ्रू मिलते हैं, सिंपथेटिक नर्व्स के थ्रू, जो किसका पार्ट है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये जनरली इंक्रीज कर देती हैं हमारे हार्ट बीट की रेट को. द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगी, यानी कि वेंट्रिकल्स और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी और हार्ट बीट और ज़्यादा बढ़ेगी और ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में उतनी ही ज़्यादा फ्लो होगी. नेक्स्ट है, ऑन द अदर हैंड, जो हमारी ANS है यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसके पास दो नर्व्स होती हैं, एक होती है सिंपथेटिक नर्व्स, एक होता है पैरासिंपथेटिक न्यूरल सिग्नल्स. ओके, पैरासिंपथेटिक में क्या होता है कि ये डिक्रीज करता है. देखो, हार्ट बीट बढ़ तो गई, आपको डर लगा, आप भाग तो गए, अब उसको एक तरीके से हार्ट बीट को कम भी करना है, बिकॉज अगर वो हमेशा ऐसे हाई रहेगी तो एक तरीके से बॉडी के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की लेवल उतनी ही नीड होती है जितनी आपकी बॉडी को चाहिए. ऑक्सीजन लेवल अगर उससे ज़्यादा बनेगा तो इट इज़ वेरी हार्मफुल. ठीक है, तो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डिक आउटपुट इज ऑल्सो डिक्रीज, कि हमारा पैरासिंपथेटिक न्यूरल सिग्नल जो है वो हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी कम करते हैं. दैट्स वाई जब कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा. एड्रेनल मेडुलरी हॉर्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे जिनको हम कहते हैं एड्रेनल मेडुलरी हॉर्मोन्स, ये भी इंक्रीज कर सकते हैं हमारी हार्ट रेट को, विच इज़ कार्डियक आउटपुट. नेक्स्ट आते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा, जो कि है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ व्हाट इज डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मतलब हाई बीपी. हाई बीपी, व्हाट इज हाई बीपी? हाइपरटेंशन इज अ टर्म ऑफ फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल. एक ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन क्या होता है, एक वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है जब हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर. दैट इज़ कि वो हायर, नॉर्मल जो है हमारा 120/80 से ज़्यादा हो जाए, तब हमारा जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है. इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg, विच इज मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर, इज दिस सिस्टोलिक, मीन्स इट इज़ इन कॉन्ट्रैक्शन स्टेट. और पंपिंग, जब वो पंप हो रहा है हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है, अराउंड 80 mmHg इज अ डायस्टोलिक. इट मीन्स कि अगर 120 है आपका ब्लड प्रेशर तो वो वहाँ पर उससे अगर 120 तक मैच करता है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है, बट 80 जो है वो बिल्कुल लो है. ठीक है, 80 जो है बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि डायस्टोलिक है, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है, यानी कि रेस्टिंग प्रेशर में है. इफ़ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 से 90 या फिर 140/90, मतलब 90 से ज़्यादा हो जाता है, या फिर और इट इज़ हायर देन दैट, इट शोज हाइपरटेंशन. हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू द हार्ट डिजीजेस एंड ऑल्सो अफेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी. अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो इट कैन इंक्रीज हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड ब्रेन एंड किडनी के लिए भी इट इज़ वेरी हार्मफुल. नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज. कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब CAD, इट मीन्स सिंपल वर्ड्स में इट इज़ हार्ट अटैक. नाउ हाउ हार्ट अटैक ऑक्यर्स, कैसे होता है ये? कोरोनरी आर्टरी डिजीज जनरली ऑफन रेफर टू एज
एथ्रियोक्लोरोसिस. एथ्रियोक्लोरोसिस क्या होता है, जनरली अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में यहाँ समझाऊँ कि जैसे कि आपका जो एक सेकेंड देखिए, जैसे कि यहाँ वेंट्रिकुलर से आपका जो जितना भी फॉर्म है यहाँ पे हो रहा है और वो पहुँच रहा है एओर्टा के थ्रू सारे ब्लड प्रेशर के अंदर, ठीक है. ये है आपका वेंट्रिकल और यहाँ से आपका जितना भी ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सारे ऑर्गन से ऑर्गन के पास पहुँच रहा है विद द हेल्प ऑफ एओर्टा. अब आपका ये शोल्डर है समझ लीजिए, शोल्डर के बाद ये आपका हैंड है, आपका बाइसेप है. तो यहाँ पर अगर आप एक मशीन लगा दोगे, आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर को नापने के लिए एक मशीन लगती है आपके हाथ में, तो उसको जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, उसके अंदर जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो हम इसके अंदर जो हमारा ये वेसल जा रही है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारी वेसल जा रही है हम इसको ब्लॉक कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए. जब हम इसको ब्लॉक कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है और जब ये प्रेशर जब हम धीरे धीरे, अब हमने बिल्कुल टाइट कर दिया है इस मशीन को, जब हम इसकी प्रेशर को धीरे धीरे कम करेंगे तो यहाँ से ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा. और जिस रेट से यहाँ से ब्लड फ्लो जाएगा, हम दूसरा कलर ले लेते हैं, जिस रेट से यहाँ से ब्लड फ्लो जाएगा और ये धीरे धीरे यहाँ पर जो ब्लॉक हो गई थी हमारी ये पोर्शन, देखो ऐसे इस तरीके से हमने इसको ब्लॉक कर दिया था, ओके. ब्लॉक होने के बाद अब ये धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी. धीरे धीरे जब ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी, एक टाइम आएगा जब ये बिल्कुल ऐसे ओपन हो जाएगी. तो इस स्टेट तक आते आते इसकी जो ब्लड रेट जो भी रही होगी वो होगा हमारा जो हार्ट रेट है. अब वो हार्ट रेट हमें देखना है कि वो 190 तक पहुंच रहा है, कितने तक पहुंच रहा है, जो हमें यहाँ बताया था कि 140 से या 190 तक, सॉरी 140 से 90 तक कितना भी पहुंच रहा है तो वो हाइपरटेंशन हुआ. अगर 120 से 80 के बीच में तो वो नॉर्मल हुआ. तो ये चीज़ें देखनी होती हैं. अगर ऐसा हुआ और हमारी जो जो आर्टरी है, जो हमने अभी फिगर बनाया था कि हमारी वो आर्टरी अगर वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, अगर हमारी आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाती है तो वो पोर्शन होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का. जब हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक होने के बाद जब क्या होगा कि अगर आर्टरी ही ब्लॉक हो गई तो वहाँ पर ब्लड कैसे फ्लो होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो इट मीन्स हार्ट अटैक हो जाएगा. तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है. इट अफेक्ट्स द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल. जो हमारी ब्लड को सप्लाई करती हैं वेसल्स हार्ट तक, वो जनरली अफेक्ट होती हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर. इट इज़ कॉज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू. जनरली देखो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ बताते हैं कि अगर आपका वेंट्रिकल है, किसी भी तरीके से वेंट्रिकल है, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ कि नीचे पोर्शन में फैट जमा होने लगा. फैट जब जमा होने लगेगा तो यहाँ पर आपकी दूसरी सेल जो है वो फैट की खोज में यहाँ पहुँचेंगी, तो यहाँ पर एक बल्ज प्रोड्यूस हो जाएगा. ये तो मैंने आपको सेल बताई है, लेकिन सेल कहाँ आएगी, जनरली यहाँ आएगी. तो जब बल्ज प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा, तो वो बल्ज एक टाइम पर जब दूसरी सेल से टकराएंगी तो ये फूट जाएगा. जब ये फट जाएगा तो फटने के बाद क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पर ये ब्लॉक कर देगा. और जैसे ही यहाँ पर ये वेंट्रिकल को, आर्टरी को, किसी चीज़ को भी ब्लॉक करता है तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो गया. ब्लॉक होने के जरिए यहाँ पर क्या नहीं गया, यहाँ पर आपका ब्लड फ्लो बंद हो गया. ब्लड फ्लो बंद होने का मतलब कि यहाँ पर हार्ट रेट जो है वो कम हो गया, यानी कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया. इट मीन्स हार्ट अटैक. दैट्स वाई हार्ट अटैक जो है बहुत ही सडनली होता है. विच मेक्स द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरोअर. जो आर्टरीज की ल्यूमन होते हैं उसको नैरो बना देता है, ठीक है, जिसके जरिए वो एक तरीके से बर्स्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट है एंजिना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस. सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन. मीन्स जब इनफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी को, यानी कि जितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी को चाहिए, बॉडी पार्ट्स को चाहिए, उतनी ऑक्सीजन आपका हार्ट जो है नहीं पंप आउट कर पा रहा है, तो दैट मीन्स उस टाइम पे होता है एंजिना. मीन्स एक चेस्ट पेन आप ऑक्यर हो सकता है, चेस्ट पेन आप फील कर सकते हो. एंड रीचिंग द हार्ट मसल एंजिना कैन ऑक्यर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज. किसी भी एज के मैन या वुमेन के अंदर एंजिना हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, जब इनफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिल रही हो. बट इट इज़ मोर कॉमन अमंग द मिडल एज एंड एल्डरली. जो मिडल एज पर्सन होते हैं लाइक 22, 25 या 30, उनके लिए. एंड जो एल्डरली पर्सन होते हैं यानी 50+, ठीक है, उनके अंदर ज़्यादा कॉमन होता है. इट ऑक्यर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो. कोई भी कंडीशन हो, अगर उसकी वजह से ब्लड फ्लो के अंदर कोई भी कमी आ रही है, यानी कि ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ब्लड फ्लो के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तब ये कंडीशन ऑक्यर होती है. नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है हमारा हार्ट फेलियर. नाउ वेरी many of the students will be confused between heart failure and heart attack. Heart attack is very different and heart failure is very different. Heart attack means जो आपकी जो
सेल के अंदर जो बर्स्ट हुआ था, ठीक है, एक बल्ज प्रोड्यूस हुआ था, जो बल्ज बर्स्ट हुआ था उसकी वजह से आर्टरी रुक गई थी, आर्टरी ब्लॉक हो गई थी, तब हुआ था हमारा हार्ट अटैक, ठीक है। लेकिन हार्ट फेलियर के अंदर बिल्कुल डिफरेंट होता है। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू द मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। इट मीन्स हार्ट फेलियर जब होता है, जब जो हमारा हार्ट है पर्टिकुलर ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है बॉडी तक, जितनी बॉडी को नीड है ब्लड की उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है हमारा हार्ट, तब हमारा हार्ट जो है फेल होता है। जनरली इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कई टाइम इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है, बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। कि हमारे लंग्स में जब कंजेशन करेंगे, जब कंजेस्ट हो जाएंगे, तब इस तरीके की डिजीज के सिम्टम्स देखे जाते हैं। हार्ट फेलियर इज नॉट एज सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट बहुत डिफरेंट है और हार्ट फेलियर डिफरेंट है। कार्डियक अरेस्ट है हमारा हार्ट अटैक, जिसके अंदर हमारा जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है, और हमारा ये वाला पोर्शन, हार्ट फेलियर का पोर्शन बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज इसके अंदर हार्ट जो है इनफ अमाउंट में ब्लड जो है पंप नहीं कर पाता है, तब हमारा हार्ट जो है फेल होता है, ठीक है। उसके बाद हार्ट अटैक होता है व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। जैसा कि हमने देखा, हार्ट की जो मसल थी आर्टरी, वो जनरली एकदम सडनली जो वो हो जाती है, बर्स्ट आउट हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और हमारे जो कार्डियक अरेस्ट के अंदर यानी कि हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, जब हमारा हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है, धड़कना बंद कर देता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ईजी था। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। इसी के साथ हमने इस चैप्टर को यहाँ पर एंड किया है। टोटल 6 पार्ट्स हो चुके हैं इस चैप्टर की। अगर आपने एक भी पार्ट नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि वो सारे पार्ट्स आप एक बार रन आउट एक रिविजन कर लें, बिकॉज जो आपका कल या परसों में है इसका टेस्ट होने वाला है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर न्यू है आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।